स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है, ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। आत्मा को कैसे देखें? दिखाई नहीं दे, हमें क्या दिख रहा है? बॉडी, ये सब जगत। आत्मा को कैसे जाने? थोड़ा आइडियल रूप लेते हैं। आत्मा चेतन है, चेतन स्वरूप है, आनंदमय। बॉडी में ढूंढो चेतन क्या है। ध्यान, मैं कहूँ अपना ध्यान इस पर रोको, आपने रोक दिया ना, कुछ चीज थी ना। आप बोल रहे हैं अपना ध्यान उठाकर घर में ले जाओ, देखो कुछ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसको सुरती कहा, आत्मा ध्यान है। इसलिए ध्यान को एकाग्र करने का क्या मतलब है? इस समय हमारी आत्मशक्ति पूरी बॉडी में फैली हुई है, इसलिए इसका पावर पूरा फैला हुआ है। इसको एक जगह लाओगे जब, तो कैसा हो जाएगा भाई? दूध से घी निकालते हैं, घी से पूड़ियाँ तलते, तड़का लगाते, दिया जलाते, मालिश करते हैं, दूध से कर सकते क्या? दूध से दिया जलेगा क्या? तड़का लगेगा क्या? उसका सार निकालना है, तब वो काम पूरे होंगे। इस तरह आत्मा को अभी हमें आत्मशक्ति को संग्रहित करना है, यानी ध्यान एकाग्र करना है। नेचुरल है, सब आत्मा तक जाने के लिए ध्यान एकाग्र कर रहे हैं, नेचुरल है, यही वे हैं। पर जब हम ध्यान एकाग्र करते हैं, नेचुरल है, एक ताकत हमारे ध्यान को डिसेंट्रलाइज करते हैं। हमें ये देखना है कौन सी ताकत हमारे ध्यान को डिसेंट्रलाइज कर रही है, वो है मन, वो है मन। आप नेचुरल सब ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही वेद, ध्यान में बैठते हैं, यानी हम जान गए हैं ईश्वर को भी ध्यान से देखेंगे, आत्मा को भी ध्यान से, रूट हमें पता है। नेचुरल कैसे पता है? बच्चा माँ के पेट में फीडिंग नहीं मांग रहा है, जन्म लेने के बाद बाहर आता है वो रोता है, क्यों रोता है? उसे फीडिंग चाहिए। बच्चा कब रोता है मैं बताऊं? या तो बीमार है तब रोता है, या तो लेटरिन पेशाब कर दिया तब रोता है, या तो भूख लगी है तब रोता है, बहन जी ऐसा ही ना, या इसके अलावा भी रोता है। तो वो, उसको तो भाषा नहीं आती, रोने में बोलता है कुछ खिलाओ। बच्चा जब माँ के पेट में था उसको फीडिंग ऑटोमेटिक ब्लड द्वारा मिल रही, नाभि द्वारा, वो नहीं रो रहा था, वहाँ शांत था, बाहर आते ही क्यों? माँ अपने पयोधर को अपना निप्पल उसके मुंह में डालती है, किसने सिखाया दूध पीना? ऑटोमेटिक बोझा भाई, दूध पीने का जरिया ही मुँह है, और कहाँ से दूध पिएगा? वो दूध पीने लगता है। नेचुरल, इस तरह नेचुरल हम अंदर से जानते हैं, हमारी आत्मा से ही हम ईश्वर को देख सकते हैं। ये कैसे जानते हो? कब से जानते हो? ये कैसे जान लिया? अब आओ बताऊं, आत्मा के पास अद्भुत मेमोरी है, आत्मा जानती है। एक छोटा बच्चा था 5 महीने का, मैं सीटी बजा रहा था, वो 6 महीने तक बच्चा करवट भी नहीं बदलता है, 6 महीने बाद बैठने लगता है, 4 महीने तक तो करवट भी नहीं बदलता। जब मैं सीटी नहीं दे रहा था वो लपक रहा था, सीटी तक नहीं पहुंचा, वो हताश होकर बाप की तरफ यूं देखा, निगाहों में कहा मेरी मदद करो, दिख गया। वो 4 महीने का बच्चा निगाहों में बाप को बोल रहा है हेल्प करो। आत्मा भाइयों छोटी बड़ी नहीं, वही है, हमारे पॉट्स छोटे बड़े हैं। उसको मैं चम्मच में कुछ देता हूँ, जब थोड़ी देर होती है लपकता है, कहता है जल्दी दो। अब उसने भाषा सीखी नहीं है, जल्दी लो, वो प्रक्रियाएं कर रहा है। इस तरह आत्मा ईश्वर को जानती है, आत्मा अपने को जानती है,
इसलिए एकाग्र होना चाह रहे हैं, लेकिन अंदर दुश्मन बैठा है, एकाग्र नहीं होने दे रहा है। गुरु बिन ज्ञान क्यों नहीं होगा, वो सुनो। गुरु नकेल डाल देता है इस मन पर। कैसे? एक माता अपने एक बच्चे को मेरे पास छोड़ गई, पांचवीं छठी में पढ़ता, बोला गुरुजी ये बड़ा दुष्ट है, स्कूल में बच्चों को मारता है, घर में उत्पात मचाता है, चोरी चंडाली सब करता है, अपने पास रखो। मैंने उसे समझाया, भाई बदमाशी करेगा तो मार पड़ेगी। अच्छा ठीक है रहा, वो डेयरी में काम करने लगा। तो डेयरी में एक बैल था कालू, इतना तगड़ा है कि उसमें 15-20 आदमी भी नहीं उठा पाएंगे। उसने क्या किया, वो लड़का कालू के नाक में लगी हुई थी नकेल, नायलॉन की रस्सी, जैसे लड़का खींच रहा था वैसे चल रहा था। लड़का दौड़ रहा था तो वो भी दौड़ रहा था बैल, हालांकि दौड़ना नहीं चाहता था, बड़ा भारी था, पर उसके इशारों पर काम कर रहा था। पंडित जी क्यों इशारों पर काम कर रहा था? तो इतने बड़े बैल को इस खिंचाओ, छोटे बच्चे का क्या फर्क पड़ेगा? नासिका कमजोर है इसलिए वहां उसको पीड़ा हो रही थी, ताकि खींच नहीं पड़े, वो टाइट नहीं हो, उसके साथ साथ भाग रहा था। इस तरह आपका मन बहुत मत्सर है, हम उस पर नकेल लगाएंगे। ठीक है, आप देखो नामदान के बाद कितना अंतर आ गया। पहले मन जो चाह रहा था कर रहा था ना, अभी अंतर है कि नहीं है? जिनको लग रहा है अंतर है, हाथ खड़ा करना, यही तो मेरा दावा है, वरना इसको आप नहीं काबू कर पाएंगे। ये बड़े बड़े धुरंधरों की खबर लेता है, नाम होए तो मात नवाए, ना तो ये मन बांध नचाए। इसलिए बिना गुरु के, और वो पूर्ण गुरु आपके अंदर वो स्पिरिचुअल रेस छोड़ेगा, तब आप इन शत्रुओं को समझ पाएंगे। अब हम देखते हैं ईश्वर क्या है, आत्मा उसका अंश है। जब वासुदेव कृष्ण ने कहा है अर्जुन सर्वभूतान हृदय, अरे सभी प्राणियों के हृदय में ईश्वर का वास है, जो आपके अंदर दिव्य चेतना है यही परमात्मा का अंश है। अर्जुन ने सवाल किया, हे जनार्दन फिर दिख क्यों नहीं रहा है? बोला अर्जुन वो कर्म ज्ञान इंद्रियों का विषय नहीं, हमारी कर्म ज्ञान इंद्रियां ओनली पार्टिकल्स देखती है, वो सूक्ष्म नहीं देख सकती है, वो भौतिक चीजें देखती है, वो इसका सब्जेक्ट नहीं है। मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण की चार सूक्ष्म इंद्रियां, उसका भी सब्जेक्ट नहीं, इससे नहीं दिखेगा। फिर बोला किससे देखे? बोला दिव्य चक्षु से। अब सवाल आया दिव्य चक्षु कहाँ है? भैया ये आपके ध्यान में है, इसलिए बोला आत्म साक्षात्कार के लिए भ्रुकुटी के मध्य ध्यान रोक करके अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर। जब आप ध्यान रोकने जाते हैं तो बाधा ही मन की है। आपने प्लान किया पूरा एकाग्र होना है, फौरन पाटिल को याद आएगा, रूपाली का ब्याह किया है, बच्चे हुए नहीं हुए कैसा है, उधर बगल ले जाए। इस तरह ध्यान में जब बैठो एकाग्र, तब जब आप पूरे एकाग्र हो जाएंगे उसके बाद आत्म में परमात्म दर्शे, तब अंदर परमात्मा उसी निगाह से दिखेगा, वो नजर आपके पास है। इसलिए बस, और एकाग्र होने का साधन सुमरण है। जब आप सुमरण कर रहे हैं ना उस समय पूरी एक्टिविटी रुक जाती है, इसलिए चलते फिरते बस वहीं अपनी लीव लगाए रखना। जिन जिन चीज़ों में ध्यान जाएगा आपका उसका रूप हो जाओगे। इसलिए साहब कह रहे चिंता तो सतनाम की ओर न छिपे दाग। अब परमात्मा कैसा है? वो पांच तत्व तो नहीं है, वो कर्म इंद्रियों से परे हैं, तभी तो अमर है, वो अलग एलिमेंट है। सुनना कान का सब्जेक्ट है, खाना मुंह का सब्जेक्ट है, देखना आंखों का सब्जेक्ट है, चलना पैरों का सब्जेक्ट है। इस तरह परमात्मा इंद्रियों का सब्जेक्ट नहीं, आप कानों से सूंघ नहीं सकते, आप आंखों से चल नहीं सकते, इस तरह वो परमात्मा ये एलिमेंट नहीं है। हम सब ने बचपन से पांच तत्व देखे, वो उनसे परे हैं, इसलिए वो नित्य है, क्योंकि ये पांचों तत्व आपस में घमासान करके नाश कर देते हैं, वो इनसे परे है। इसलिए अकह अनिह अडोल अबोल अविचल उसकी संज्ञा। हमने सोच रखा है चार हाथ वाला भगवान है, हमने सोच रखा बहुत विशाल काया वाला भगवान है, नहीं, वो कैसा है? सूक्ष्म अति सूक्ष्म। सूक्ष्म क्या है?
बारीक नन्ना सूक्ष्म सूक्ष्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्मा अति सूक्ष्म है और वो सिर्फ हमारा कंसंट्रेशन, इसलिए कंसंट्रेशन इज ए सोल। तो साहब ने सुरत योग बोला, ये चलते फिरते भी भाइयों काम करना, ध्यान लगाना, चलते फिरते भी स्मरण करना, गुरु के दर्शन से एक एनर्जी मिलती है, नहीं तो मन आपका मन मैला करता जाएगा। मैं आपको बताता हूँ आप क्या करना, दो कदम तुम भी चलो, दो कदम हम भी चलें। यार मैं 70 साल उम्र है, मैं आपके बंबई में पहुँचता हूँ, मैं 6 बार बंबई में आऊँगा साल में, आप ऐसा करो 4 बार रांझड़ी आओ। आप प्यासा कुएं के पास जाता है, कब आओ? एक मेरे जन्मदिन पर, एक गुरु पूर्णिमा पर, एक 31 दिसंबर पर नए साल, एक कबीर जयंती पर। उस समय मन कहेगा बच्चे को स्कूल भेज, ये जरूरी माना ना, गुरु के दर्शन से एक एनर्जी मिलेगी आपको। मैं आपको बताऊं क्या एनर्जी आप फील नहीं कर पा रहे हैं। अभी मैं यहाँ से उठ के जाऊँगा, यहाँ का एनवायरनमेंट बाद में देखना कैसा है, ठीक है? ये घमंड से नहीं बोल रहा हूँ मैं, इस तरह से महापुरुषों की प्रेजेंस से एक रेज निकलती है। सिर्फ महापुरुष नहीं, दुष्ट बैठा होगा डर ही डर लगेगा, इस तरह वो एक स्पिरिचुअल रेज मिलती है जो हमें अंदर अपने कंसंट्रेशन को एकाग्र करने में ताकत देगी। इसलिए कहा गुरु का दर्शन कीजिए दिन में कई कई बार, आपको वो ऊर्जा मिलती जाएगी। और एक चिंता रखो, अपना ध्यान दुनिया में मत फंसाना, धन धारा संपत सकल जन अपनी कर मान, इसमें कुछ साचो नहीं नानक साची मान। नानक देव जी कह रहे धन रुपया धारा स्त्री संपत्ति सकल अपनी मत मानना, कुछ भी सच्चा, ये रुई लपेटी आ गए। अब ऐसा भी नहीं करना 4 बच्चे हैं और कहो छोड़ो माया आ जाओ, फिर आने भी नहीं दूंगा इधर, पहले बच्चों को काबिल बनाओ, वो बिचारी कैसे पालेगी उनको, नहीं तो मेरी तरह छड़े छांडो फिर आ जाओ। तो इस तरह खावता पीवता जागता सोवता, पहला अपना प्राइमरी टास्क क्या रखो, आत्मा को पाना है, ईश्वर को पाना है, ताकि बार बार के जन्म मरण से मैं छुटकारा पाऊं। मन माया में फंद रहे हो बिसरो नाम गोविंद, कह नानक प्रभु भजमना अंत पड़ती अम्फन। अंत में कोई संगी नहीं होगा, पंडित जी पिताजी चला गया, आपका पिताजी चला गया, कुछ ले गया क्या? दादाजी कुछ ले गया क्या? तुम क्या ले जाओगे दुनिया से? कुछ भी नहीं। आपको आनंद कब आएगा? वो एंजॉय जब आपकी आत्मा उस तरफ पूरी कंसंट्रेट हो जाएगी। आपको बच्चा प्यारा क्यों लग रहा है? नहीं, आपकी आत्मा उसमें कंसंट्रेट है बस, आप वहां से जाने डाल कोई प्यारा नहीं है। इसलिए कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगा, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमा, फैसला कर लो कहां लगाना है। अगर दुनिया में लगाया इधर ही आओगे, जाकी सूरत लाग रहे जय वहां कहे कबीर पहुंचा हुआ है। इसलिए ताकीद दे रहे सब में रमते रहते ध्यान साहेब में रखना, जो सुख पाया नाम भजन में सो नहीं ला अमीरी में। मेरे भाइयों ये मैं किसी उपन्यास का रटा हुआ श्लोक नहीं बना रहा हूँ, यही सच है। जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ, कबीर जाने संत जन सुमरण संकर्षण। दस अवतार माया ने धरिया, ये माया थी, काया माया झूठी जानो, झूठा सकल पसारा मानो, काल अपर बल सबको छलिया। लोग पढ़ लिख करके भी शास्त्रों को मीनिंग नहीं निकाल पा रहे, अर्थ नहीं निकाल पा रहे। आप जब तर्क रखो तो कहेंगे ये लीला थी, समस्या ये बड़ी विकट है, आगे तर्क खत्म हो जाता है। भरम गए जग वेद पुराणा, आदि नाम का भेद न जाना। अब आदि नाम पर साहब साफ एक बात कह रहे हैं, सार नाम सत्पुरुष कहाया, क्षर अक्षर निअक्षर पारा,
विनती करे तह दास तुम्हारा, नाम अमल रस चाखे कोई ताका जरा मर ना होई। बड़ी अजीब सी बात है, जरा मरण का बीज नशाई वो जन्म मरण से परे हो जाएगा। निर्गुण नाम निरंजन राई, निज उत्पत्ति बना के खाई, ताके परे एक नाम न्यारा। साहिब कह रहे उसके परे एक न्यारा नाम है, सो साहेब है मूल आधारा। उन्हें जगत ना जाने भाई, काल अंश राखे भरमाई। इस तरह काल पुरुष की भक्ति में पूरी दुनिया लगी। नाम अमल रख रस चाखे कोई ताका जरा मरण ना होई। अब यहाँ कह रहे हैं जरा मरण का बीज नष्ट हो जाता है नाम के बाद। आओ प्रमाणित करता हूं, स्वेच्छा निर्मित तन, ये आत्मा अपनी इच्छा से ही शरीर प्राप्त करती है, ये खुद चाहती है शरीर मिले और, तो ये भावना मिट जाती है। आप अपने हृदय में देखो, अब दोबारा जन्म लेने की इच्छा नहीं है। जय आशा तय बादशाह हुई, बाको टार सके न कोई। सदगुरु भक्ति करे जो कोई, जाति वर्ण दुर्मत सब कोई। अब आप देखो आपके अंदर से जाति की भावना खत्म हो गई, जात की भावना रह गई क्या कुछ? बिल्कुल नहीं। हर एक शब्द जो साहेब बोल रहे भाई, उसको आप अपने दिल में तोलो कि उस नाम से ये असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। आदि नाम नित गुण गावे, भव सागर में बहुर ना आवे, यहाँ दुख ही दुख है। अब कोई कहता है भैया पुण्य करो दान करो स्वर्ग में पहुंचोगे, अरे कर्माणी बन जा स्वर्गादि लोगे, कर्मों के कारण स्वर्गादि लोग में कर्मा क्षीण फिर मृत्यु लोग में आओगे, तो कहाँ मुक्ति हुई? और साहेब कह रहे हैं बहुर ना आवे यह संसारा, आज नाम की गहे जो आशा सदगुरु काटे काल की फांसा। एक और चीज है, सैनिक लोग हैं सेना में तो सरकार ने सहूलियत दी है, कठिन काम है ना, शत्रु से युद्ध करना है, शरीर छूटने के बाद पूरी पे बच्चों को मिलेगी, सर्विस पूरी करने के बाद में पेंशन मिलेगी आजीवन, अगर खुद शरीर छोड़ गया तो पत्नी को मिलेगी, बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए अलाउंस मिलेगा, रिटायरमेंट के बाद भी डिपेंडेबल पर्सन पूरों को ता उम्र मेडिकल सर्विस फ्री। इसी तरह साहेब की भक्ति में आने के बाद साहेब बहुत सुरक्षा देता है, अगर आपके पास ये ताकत नहीं होगी तो आप भक्ति कर ही नहीं पाओगे। बस इतना है, आपको वो ताकत इशारे देती जा रही है, आप करते जाना, बस गुरुमुख होना है। साहेब कह रहे हैं जो कोई जो मोरे शरणागत आए किसे रखूं मैं प्राण के नहीं। आप देखो हर आफत से बचा कर रखती है वो ताकत आपको, नहीं तो आप भक्ति नहीं कर पाएंगे। तब भी निरंजन कुछ कुछ समस्याएं लाता है, पर वो समस्याएं आप उनसे ऊपर हैं। पहले आप ब्रेन में रहते थे, मन में रहते थे, अब मन से ऊपर है। अब आप मन को ठीक से समझ रहे हैं, आज नाम है गुप्त मौला। अब देखो वो गुप्त है। आपसे अगर मैं एक सवाल पूछूं, जिनको लगता है कि नाम के बाद एक ताकत साथ रहती है वो हाथ खड़ा करो, कोई बता सकता है क्या वो ताकत कैसी है? उसका रूप कैसा है? अब साहब क्या कह रहे हैं, कहे कबीर ये सैन गुंगतनी होए गुंग सो समझ आए, बोले ये इशारा गूंगे की तरह है। आपको पूरी पूरी खबर मिलती रहती है। आज नाम है गुप्त अमोला, गुप्त अकह, लेकिन अगर ये मैं कहूं आप उसको जानते भी हो तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, आप जानते हैं, लेकिन ये जबान नहीं बोल पाएगी।